नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ हस्तरेखा के बारे में। आज मेरा दूसरा एपिसोड है। आज बात करने वाला हूँ जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जीवन रेखा जो होती है वो तर्जनी और अंगूठे के बीच से आरंभ होके बिल्कुल हथेली के निम्न प्रदेश मतलब नीचे तक जाती है। तो जीवन रेखा की खास बात यह है, यह सपाट और बिल्कुल बिना द्वीप के या बिना किसी कटे सीधे और साफ रहे। तो इस तरह के लोग जो होते हैं उनका जीवन में बहुत कम बीमार पड़ते हैं, वो काफ़ी स्वस्थ और अट्रैक्टिव दिखने में होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी सोचते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो उनको मिल जाता है, वो उनको प्राप्त हो जाता है। अगर जीवन रेखा में कोई द्वीप बने तो ऐसे इंसान को जिस जगह पे वो द्वीप बना है उस समय के लिए तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि उनको मृत्यु तुल्य परेशानियाँ फेस करना पड़े। जीवन रेखा से कोई स्पर्श रेखा अगर ऊपर की ओर बृहस्पति की उंगली की ओर निकलती है तो उस समय जिस स्थान से वो रेखा निकली है उस समय व्यक्ति को कोई अच्छी नौकरी या धन प्राप्ति या प्रॉपर्टी का लाभ या पैसों का लाभ होता है और प्रमोशन भी मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। मस्तिष्क रेखा जो है वो भी तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच से निकलते हुए सीधा चंद्र और मंगल पर्वत के बीच में समाप्त होती है। तो ये रेखा जितना साफ और सपाट रहे इंसान का मस्तिष्क उतना तेज चलता है दोस्तों। वो बहुत चतुर होते हैं और हर काम को पूरे संयम के साथ, पूरे प्लान के साथ काम करते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा कटा हो या छोटा हो तो ऐसे लोगों को अक्सर सर में दर्द, आँखों में समस्या, माइग्रेन पेन और मेमोरी लॉस जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे अपना कंसंट्रेशन किसी भी काम पे ठीक तरह से नहीं कर पाते। मस्तिष्क रेखा की खास बात यह है कि अगर मस्तिष्क रेखा से कोई स्पर्श रेखा ऊपर की ओर यानी शनि प्रदेश या सूर्य प्रदेश मतलब शनि के पर्वत या सूर्य के पर्वत की ओर बढ़े तो उस समय व्यक्ति को अच्छा प्रमोशन या जॉब चेंज या फिर ऐसा इन्वेस्टमेंट जो पहले उन्होंने किया है उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहते हैं। मस्तिष्क रेखा में अगर कोई द्वीप बने तो उस समय पे इंसान को बहुत ही मानसिक अशांति को देखना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। उस समय ऐसा होता है कि वो अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं। तो जब भी आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा में कोई द्वीप बने उस समय के लिए आप जो है बिल्कुल सावधानी बरतें, कोई भी गलती से या गलत डिसीजन ना लें जिससे आपकी मानसिक अवस्था जो है वो ख़राब हो। हृदय रेखा जो है वो मध्यमा और तर्जनी उंगली के बीच से निकलती हुई कनिष्का मतलब छोटी उंगली के नीचे समाप्त होती है। तो जिनकी ये हृदय रेखा पूरा बनता है मतलब कि तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली से आरंभ होते हुए कनिष्का यानी छोटी उंगली में ख़त्म हो तो ऐसे लोग काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, वो काफ़ी प्रभावशाली दिखते हैं। उनका हृदय जो होता है वो बिल्कुल राजा के समान बहुत बड़ा होता है यानी काइंड हार्टेड। ऐसे लोग जो होते हैं वे उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाते हैं, वो हर किसी के प्रति प्रेम भाव रखते हैं और लोगों को हेल्प करना उन्हें बहुत पसंद आता है। अगर हृदय रेखा टूटी हो, कटी हो तो उस समय के लिए इंसान को हार्ट अटैक का सामना करना पड़ सकता है या हृदय से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का सामना करना पड़ सकता है। हृदय रेखा में अगर कोई द्वीप हो तो उस समय कोई ऐसी बात जो आपके मन को कचोट जाए या मन को लग जाए या फिर आपके अंदर जो है आपकी आत्मा तक को झकझोर दे, ऐसा हो सकता है। तो जिस जगह पे वो द्वीप बने उस समय के लिए आपको जो है हर लोगों से
अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी भी तरह से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, और अपने आप को उस परिस्थिति में संभालने की कोशिश करनी चाहिए। जिन व्यक्तियों का हृदय रेखा काफ़ी स्ट्रांग होता है, उनका हार्ट भी उतना मजबूत होता है, वे इरादों के बड़े पक्के होते हैं और उनके अंदर सहनशीलता भी बहुत मात्रा में भरी होती है। तो दोस्तों, ये था हाथ की लकीरों का रहस्य एपिसोड 2। इस तरह से मैं और भी नए एपिसोड्स लाऊंगा। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।